यो व्हाट इज अप गाइस, दिस इज योर बॉय अहमद सिल्क बैक टू द वीडियो। आज हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज ऑफ सिटी स्काईलाइंस। यस, आज से हम एक नई गेम की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। सिटी स्काईलाइंस ये एक ऐसी गेम है जहां पर हम अपना पूरा शहर बना सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जल्दी से अपना गेम स्टार्ट करते हैं। न्यू गेम कौन सी जगह लें? क्लिफ साइड बे, डायमंड कोस्ट, फोगी हिल्स, आई थिंक डायमंड कोस्ट इज द बेस्ट। सो स्टार्ट। तो हमने डायमंड कोस्ट में अपना वर्ल्ड बना दिया और वहां पर जाके हियर इन आवर ब्यूटीफुल सिटी। मुझे पता है यहाँ पर अभी कुछ बना नहीं है, लेकिन ये सून बहुत बड़ा एक सिटी होने वाला है। तो भी हम रोड बनाने से स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम ना एक थोड़े से रोड बनाते हैं, ठीक है? एक यहाँ पर बनाते हैं और एक यहाँ पर बनाते हैं और इन दोनों का ना जोड़ देता हूँ मैं, ठीक है? बल्कि रह नहीं देते, इनको जोड़ते नहीं है हम। तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि हम ना काम करते हैं, यहाँ पर एक का हमारा इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट होगा, यहाँ पर हमारा रेजिडेंशियल। तो अभी मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करता हूँ। एक मिनट, मैं इनको ना 2000 रुपीज़ का एक बनाता हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे अभी कम है। 69,000 रुपीज़ है मेरे पास, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम अपना काम करते हैं। 2000 का बन गया ये, ओके। और 2000 का यहाँ पर भी बनाते हैं। तो अभी मैं क्या कहते हैं फुल स्क्वेयर बनाने लगा हूँ 2000 का, और उसके बाद हम क्या कहते हैं अपना शुरू करेंगे वर्ल्ड बनाना। हाँ, तो ये बन गया हमारी एक स्ट्रेट लाइन। और भाई अभी हम यहाँ पर सीधे रोड्स बनाएंगे, ठीक है? ये ऐसे, ओ भाई साहब, मतलब प्यारा लगना शुरू हो गया। ओ भाई, ये कितना सही रोड बन रहे हैं हमारे। ओके, तो अभी हम यहाँ, अरे यार गलत कर रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पर ये एक और रोड, लास्ट रोड रह गया हमारा, लास्ट रोड फॉर द डे एंड लेट्स गो। ओके, हमारे रोड बन चुके हैं एंड यस यू कैन सी दिस इज लुकिंग वेरी वेरी फैंटेस्टिक, ठीक है? तो ये है हमारा रेजिडेंशियल एरिया। तो एक काम करते हैं, अभी हम इसको रेजिडेंशियल एरिया बनाते हैं, ठीक है? और ये हमने अभी रेजिडेंशियल एरिया बना दिया, ओके? और यहाँ पर भी एक रेजिडेंशियल एरिया बना दिया, यहाँ यहाँ और आई थिंक यहाँ पर भी, ठीक है? हैं, यस, लो जी हमने रेजिडेंशियल एरिया बना दिया। तो अभी मैं इन दोनों जगह को छोड़ देता हूँ, कमर्शियल एरिया भी हम बाद में बनाएंगे। अभी हमने रेजिडेंशियल एरिया बना दिया है और अभी हम ना इलेक्ट्रिसिटी का काम मसला हल करते हैं। सो लेट्स सी, हम ना सिटी के बिल्कुल शुरू में ना दो विंडमिल रख देते हैं यहाँ पर, लाइक दिस। ओ लुकिंग गुड, वेरी गुड मैन। तो अभी हम यहाँ पर अपने इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर दी है एंड पावर लाइन्स की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, नो। हम अपना क्या कहते हैं ये कोल पावर प्लांट है, ये हम क्या कहते हैं पोल्यूशन नहीं फैलाना चाहते अपने एरिया में, ओके। अब हमने वाटर का मसला हल करना है, तो हमें समुंदर ढूंढना होगा एंड वाटर पंपिंग स्टेशन। अभी हमारे पास जगह नहीं है, तो मैं अपना यहाँ पर ही बना देता हूँ। लो जी, हमने एक वाटर पंपिंग स्टेशन लगा दिया, एक सीवरेज लाइन लगानी पड़ेगी हमें, ये एरिया हमारी सीवरेज लाइन। और अभी हम वाटर पाइपिंग लगाते हैं यहाँ पर, ये इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया, ठीक है? ये दोनों कनेक्ट हो गए और ये जाएगा हमारे मेन सिटी में। ओ भाई साहब, हम तो प्रोफेशनल बिल्डर बन गए यहाँ पर। तो ये हमारे मेन सिटी का वाटर सोर्स होगा। मैं क्या कहते हैं अभी जल्दी से वाटर लाइन बनाता हूँ। तो एज़ यू कैन सी, हमने यहाँ पर वाटर लाइन भी कनेक्ट कर दी, बिजली भी हमारी यहाँ पर आ चुकी है। तो आई थिंक इट्स रेडी टू बी रेडी यार। चलो भाई, हमने अपना एरिया बना दिया और भाई थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं एंड भाई कोई बिल्डिंग बनाओ। ओ भाई साहब, वो देखो बिल्डिंग्स बनना शुरू हो गई। वाह, कितना क्यूट लग रहा है ना। ओ माई, हमारा लिटिल लिटिल सिटी, वाह कितना प्यारा लग रहा है हमारा छोटा सा सिटी। वाह मैन, यार कितना प्यारा लग रहा है। तो अभी हम एक काम करते हैं, क्योंकि अभी ये बिल्डिंग बनेंगी तो उसके बाद लोग कहेंगे कि भाई हमें इंडस्ट्रियल एरिया चाहिए जहाँ पर हम काम कर सकें। तो एक काम करते हैं, सेम काम कर सकते हैं, 2000 बाय 2000 का एरिया बनाते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया बनाएंगे अपना। तो गाइस, अभी मैंने यहाँ पर एक पूरा एरिया बना तो दिया। ओ भाई, इनको वाटर का मसला क्यों हो रहा है? मैंने इनको वाटर पाइपिंग तो दी है। ओ भाई, मैं भूल गया, इनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। वेट, लेट मी सी, आई शुड क्रिएट वन हेयर, ओके। और पावर लाइन लेते हैं यहाँ से और इस पावर लाइन को कनेक्ट कर देते हैं इधर एंड पावर शुड कम नाउ। पावर आ गई है या इस पानी कम? ओ भाई, हाँ भाई, मैं कह रहा हूँ सीवरेज का मसला आ गया इनको। भाई ठीक है ठीक है, ये देखो भाई इनको पावर आना शुरू की, लेकिन भाई हमारे पास पैसे बहुत कम हो गए यार। ओ माय गॉड, हमें इंडस्ट्रियल एरिया बनाना था अभी। कोई बात नहीं, हमने थोड़े से रोड तो बनाए हैं, यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया बनाते हैं। ये इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया, ओके, लुकिंग गुड, लुकिंग गुड। इंडस्ट्रियल एरिया हमने बना दिया यहाँ पर एंड आई थिंक गाइज अभी इनको पावर आ जाना चाहिए। यस, शिकर है, यहाँ से बिल्डिंग स्टार्ट करवाना शुरू कर देते, अब इनको पावर मिल रही है, लेकिन इनको वाटर चाहिए यार। मैं डेप्थ में जा रहा हूँ अभी, मेरे पास मैं कोई पैसे ज़ाया नहीं कर सकता। ये पहले मुझे सारा डेप्थ पे करना होगा, उसके बाद मैं बना सकता हूँ। भाई मुझे थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा यार, थोड़ा सा गाइज इंतजार करो प्लीज़। तो गाइज, हमारे पास हाई डिमांड आ रही है कमर्शियल एरिया की, तो कमर्शियल एरिया हम यहाँ पर बना देते हैं। ये रहा कमर्शियल एरिया एक और, ये रहा कमर्शियल एरिया एक और। भाई हमने कमर्शियल एरिया ही बना दिया पूरा, ये साइडों वाला सारा कमर्शियल एरिया है अब।
तो भाई अभी भी हमारे पास वाटर का मसला है यहाँ पर, लेकिन भाई मैं डेप्थ में जा रहा हूँ, जब तक ये पैसे पूरे पे नहीं होते मैं कुछ भी नहीं जाया कर सकता पैसों में। तो गाइस अभी के लिए तो मैंने हटा दिया यहाँ से सारा एरिया वो, ठीक है, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू क्या कहते हैं बैंक करप्सी मुझे नहीं चाहिए। तभी मैं जल्दी से इनको पे करता हूँ लोन सारा, मतलब लोन मैंने कोई खरीदा नहीं, मैं डेप्थ में जा रहा हूँ थोड़ा, कोई बात नहीं। अभी हम यहाँ पर वाटर वगैरह का मसला सारा हल है, मैं बाद में बनाऊंगा यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट, अभी वैसे भी डिमांड नहीं है मेरे पास। अगर मेरे पास डिमांड होती इंडस्ट्रियल एरिया की तो मैं बनाता भी, लेकिन अभी इंतजार करते हैं, जब तक हम पैसे पे नहीं कर देते इन्हें तो भाई तब तक हमें इंतजार करना होगा। लेकिन भाई कितना प्यारा लग रहा है हमारा छोटा सा प्यारा लिटिल टाउन, एंड इसको यार हटाओ ये बड़ा गंदा लग रहा है। हाँ भाई कितना प्यारा लग रहा है हमारा लिटिल टाउन, लेकिन यार इन्होंने नाम गंदा रखा है, मुझे ये नाम नहीं चाहिए, आई नीड टू चेंज इट। क्या नाम रखे इसका? हाँ इसका नाम हम रख देते हैं, आई थिंक दिस इज द बेस्ट नेम, सिटी का नाम हम रखते हैं अहमदिस्तान, बेस्ट नाम है यार अहमदिस्तान। ओके ये देखो भाई हमारा अहमदिस्तान, ये तो पूरा मुल्क का नाम है हमारा अहमदिस्तान। भाई साहब यार अभी तक हम डेप्थ में है, क्या हो रहा है? तो भाई मैं बैंक करप्ट हो गया था, मैंने थोड़ा सा लोन ले लिया इनसे, बेल आउट का लोन ले लिया, तो भाई आई थिंक आई शुड क्रिएट आ इंडस्ट्रियल जोन हेयर। ओके मुझे पहले पानी का मसला हल करना है, तो पानी की वजह से ये सब कुछ हो रहा था। तो अभी हम अपना यहाँ पर सारा एरिया लगाते हैं, भाई मैंने बेल आउट कर दिया, आई डोंट नो मैंने अच्छा डिसीजन लिया है, लेकिन भाई आई थिंक मैंने सही डिसीजन लिया है अभी के लिए। भाई आती बैंक करप्ट हो गया मैं, मतलब क्या है यार। चलो पानी का मसला तो मैंने हल कर दिया, अब मैं इंडस्ट्रियल जोन बनाना शुरू करता हूँ यहाँ पर। ये लो इंडस्ट्रियल जोन, मज़े करो भाई, बिल्डिंग्स बनाओ अपनी यहाँ पर, भाई मुझे इंडस्ट्रियल जोन दो अब। ये लो कितना सारा इंडस्ट्रियल दे रहा हूँ तुम लोगों को मैं, ये ले मज़े करो, इंडस्ट्रियल जोन, इंडस्ट्रियल जोन ही इंडस्ट्रियल जोन दे रहा हूँ मैं तुम लोगों को, ये ले मज़े करो भाई प्लीज़, अब कोई पैसे दो मुझे, आई एम गोइंग टू बैंकरप्ट। भाई सब क्या हो गया ये, कोई बात नहीं, अभी हम अपना इलेक्ट्रिसिटी सही चल रहा है, हर चीज़ शुक्र है भाई काम शुरू हो गया। कमर्शियल एरिया, कमर्शियल एरिया की बहुत हाई डिमांड है, तो अभी हम अपनी कमर्शियल एरिया यहाँ पर लगाते हैं, एंड सी भाई साहब ये है हमारा कमर्शियल एरिया, बल्कि एक काम करते हैं बहुत ज़्यादा कमर्शियल एरिया हो गया, बस इतना काफ़ी है कमर्शियल एरिया अभी के लिए। तो मुझे एक रोड कनेक्ट करना चाहिए यहाँ से उधर जाने के लिए, क्योंकि अभी लोगों के लिए पूरा यहाँ से घूम के जाना पड़ता है उनको वहाँ काम करने के लिए, तो इनकी थोड़ी आसानी कर देते हैं, यहाँ पर हम अपना रोड कनेक्शन करते हैं, एंड आवर रोड इज़ कनेक्टेड। भाई साहब अब यहाँ पर इनको थोड़ी आसानी होगी, ट्रैफिक जैम नहीं होगा ज़्यादा, लेकिन कोई बात नहीं। तो अभी हम इंतजार करते हैं, भाई हमारा अहमदिस्तान कितना प्यारा लग रहा है, और ये ओ भाई यस 500 पीपल की कम्युनिटी होगी हमारी लिटिल हैमलेट, हम टैक्सेस ले सकते हैं और लोन्स ले सकते हैं, यस मेडिकल सेंटर, सीवरेज, एजुकेशन, ओ माय गॉड यस, भाई साहब मज़ा आ गया, और हम अपने पैसे भी पे करने वाले हैं सारे, यस यार हम बच रहे हैं। तो भाई देखते हैं टैक्स कितने परसेंट है, आई थिंक मुझे टैक्स ना 10% कर देना चाहिए, क्या कहते हैं 9% में मुझे पैसे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, तो 10% टैक्स, आई नो मुझे अभी टैक्स नहीं बढ़ानी चाहिए लेकिन बढ़ा रहा हूँ मैं। तो लोन्स ले लेते हैं बैंक से, ले लेते हैं 20,000 का मैंने इनसे टैक्स ले लिया, और भाई हम प्रॉफिट कमाना शुरू हो गए, वाह भाई वाह हम प्रॉफिट कमाना शुरू, ओ भाई पावर का मसला क्या हो गया, ओ नो आई थिंक हमें पावर चाहिए होगा, मैं कोल पावर प्लांट लगाना तो नहीं चाहता लेकिन भाई आई थिंक मुझे लगाना पड़ेगा। तो ये रहा कोल पावर प्लांट, मैंने लगा दिया कोल पावर प्लांट, आई शुड भाई चलो भाई, ओ भाई मैंने इतना बड़ा कोल पावर प्लांट लगाया क्या हो गया है, हेलो भाई साहब क्या हो गया तुम लोगों को, प्लीज़ अबे यार ये क्या है, मैंने इतना बड़ा पावर क्लोन लगाया प्लांट लगाया है, एक मिनट अबे यार मैं इधर से पावर लाइन्स भी नहीं लेके जा सकता, व्हाट द हेल यार मतलब क्या है, मुझे एक काम करना चाहिए, इंडस्ट्रियल जोन की अभी भी डिमांड बहुत आ रही है, तो मैं ये वाला एरिया भी ना इंडस्ट्रियल के नाम कर देता हूँ, एंड आई थिंक हमें ना ये रेजिडेंशियल जोन एक और बना देते हैं, ये एक रेजिडेंशियल जोन और हो गया, तो आई थिंक पावर का मसला चले जाना चाहिए यार। अच्छा अब जाएगा पावर का मसला, मैंने पॉज की हुई थी, वाह भाई वाह अब चला गया पावर का मसला यार। हाँ तो हमने यहाँ पर कोल पावर प्लांट लगा दिया है, पोल्यूशन तो होगी यहाँ पर यार, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हमने रिज्यूम कर दिया और भाई हमारा लिटिल सिटी ग्रो कर रहा है बहुत प्यारे तरीके से, और दो विंड मिल यार एंट्रेंस वगैरह कितना प्यारा लग रहा है ना, लो जी हमारा लिटिल कम्युनिटी कितना ज़्यादा ग्रो कर रहा है, एंड आई शुड सी यार भाई कितना प्यारा कितना रैपिडली ग्रो कर रहा है ये, ओ माई गॉड यार। वैसे मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये जो सीरीज़ की थोड़ी सी वीडियोज़ लंबी हुआ करेंगी, 19 to 20 मिनट्स की हुआ करेंगी, तो
कॉम्प्रोमाइज यार। तो ये भाई कितना प्यारा लग रहा है हमारा वर्ल्ड यार, वाह वाह वाह। तो एक काम करते हैं, रेजिडेंशियल जोन की डिमांड बढ़ रही है तो ये लो रेजिडेंशियल जोन और लो भाई, वाह वाह, रेजिडेंशियल जोन बना दिया मैंने यहाँ पर। अभी हम यहाँ पर और बिल्डिंग्स बनने देते हैं, उसके बाद हम यहाँ की तरफ एक्सपेंड करेंगे क्योंकि हमारे पास ये पूरा लैंड है। ओ भाई 1000 आदमी, न्यू एरियाज, डिस्ट्रिक्ट पॉलिसी, सेकंड लोन, डिस्ट्रिक्ट स्पेशलाइजेशन, ओ भाई फायर डिपार्टमेंट, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं हम। एक काम करते हैं, अभी हमें ना यहाँ पर एक मिनट, फायर डिपार्टमेंट कितने का है, 12000, कोई बात नहीं हम बनाएंगे, हम अपनी हैप्पी कम्युनिटी रखना चाहते हैं। यहाँ पर एक एंड आई थिंक यहाँ पर एक, लो जी पैसे तो बहुत ज़्यादा कर दिए मैंने लेकिन कोई बात नहीं। पुलिस, पुलिस डिपार्टमेंट, आई शुड मेक इट हेयर, नो नो यहाँ पर बनाता हूँ, ये बहुत सारे एरिया को कवर करेगा, 12000, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अभी हम बहुत प्रॉफिट में हैं। लो जी भाई अभी हमने यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट लगा दिया, एजुकेशन वगैरह सब कुछ चल रहा है। एंड लेट मी सी, हम कोई दूसरा लोन ले सकते हैं, यस मैंने लोन ले लिया भाई, बैंक से लोन लिया, वैसे रियल लाइफ में लोन ना लिया करो लेकिन यहाँ ले सकते हैं। इसको क्या मसला हो रहा है, नॉट इनफ वर्कर्स, क्या हो गया, रेजिडेंशियल जोन चाहिए ने, ओके ओके अभी हमें एक्सपेंड करने का टाइम आ गया, अभी मैं जल्दी से एक्सपेंड करता हूँ भाई। तो गाइज अभी आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक और रोड बनाया और अभी हम जल्दी से रेजिडेंशियल जोन बनाते हैं यहाँ पर, ये लो रेजिडेंशियल जोन, क्रिएट दैट शिट मैन, ओके ये देखो, ओ भाई ये देखो हमारी कमर्शियल जोन भी बढ़ जाएगी, ये बाप बाप रे बाप। देखो अभी हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है भाई, काफी होनी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी यहाँ की। अभी वाटर, वाटर मसला हल कर देते हैं, अभी हम यहाँ पर वाटर की लाइन्स लगाते हैं एंड ले लो, ये लो भाई वाटर का मसला तो मैंने इनका हल कर दिया। गाइज आई थिंक हमें एक हॉस्पिटल बनाना चाहिए यहाँ पर, एके हमने हॉस्पिटल बना लिया, फायर डिपार्टमेंट आई शुड मेक इट हेयर, ओके पुलिस डिपार्टमेंट आई शुड मेक इट हेयर एंड द लास्ट वन एजुकेशन एलिमेंट्री स्कूल, और यहाँ पर नॉट इनफ मनी, चलो कोई बात नहीं अभी हम काम कर रहे हैं। पॉलिसीज, ओके पॉलिसीज, पावर यूसेज, पावर यूसेज लगा देते हैं, इससे लोग पावर को अच्छे से इस्तेमाल करेंगे पावर का। तो रेजिडेंशियल जोन बना दिया, अब इनकी कंप्लेनिंग तो बंद होनी चाहिए ना यार, मैंने कितने सारे जोन बना दिए यहाँ पर। तो भाई ट्रैफिक का मसला हल करने के लिए ना मुझे एक काम करना चाहिए, ओ माय गॉड मैं डेप्थ में जा रहा हूँ, ओ माय गॉड कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो गाइस अभी हम एक डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं अपना प्यारा सा, ठीक है ये होगा हमारा एक डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम मैं अभी आपको बताता हूँ क्या रखेंगे हम, बल्कि ये डिस्ट्रिक्ट ना यहाँ तक होगा, बड़ा सा डिस्ट्रिक्ट है ये, तो मैंने इसको कलर कर दिया। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कोटू डिस्ट्रिक्ट बना दिया, स्कल डिस्ट्रिक्ट बना दिया, और भाई इनको क्या मसला है, नॉट इनफ वर्कर्स का क्या मतलब है भाई, यहाँ पर मैंने इतने सारे रेजिडेंशियल जोन बना दिए, अब क्या हो गया तुम लोगों का मसला क्या है। आई थिंक इनको कमर्शियल की और जरूरत है, तो मैं यहाँ पर कमर्शियल बना देता हूँ, ये लो भाई कमर्शियल, मजे करो, इतने सारे कमर्शियल जोन बना दिए मैंने यार, इतने सारा कमर्शियल जोन बना दिया, आप अगर ये गुस्से में ना तो मैं इनको क्या कहते कुछ नहीं दूंगा, फिर चुप रहो यार, मतलब फजूल ही है। तो गाइस आप देख सकते हो हमारा प्यारा सा क्यूटू डिस्ट्रिक्ट, गाइस सॉरी सॉरी अभी क्या कहते हैं मेरा जो उनसे रिकॉर्डिंग थी वो थोड़ी सी रुक गई थी, तो भाई मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, मैंने एक काम किया मैंने यहाँ पर रोड बना दी है, जैसे कि आप देख सकते हो अभी आपको मैं जूनिंग टूल से दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने रोड बना दी है और यहाँ पर कमर्शियल के लिए और रोड बना दी, और यहाँ पर एक रेजिडेंशियल जोन बनाया है और एक कमर्शियल जोन बनाया है। तो भाई इतना ज़्यादा कुछ नहीं किया, तो अभी हम अपना स्टार्ट करते हैं, दोबारा से रिज्यूम करते हैं एंड इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, एंड हमारे पास 21000 आ गए भाई, और हमारा क्यूटू डिस्ट्रिक्ट कितना प्यारा काम कर रहा, और ये रहा हमारा पोल्यूटेड स्कल डिस्ट्रिक्ट, और देख सकते हो कितनी ज़्यादा पोल्यूशन फैली हुई है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर कितना गंदा हो रहा है सारी जगह, इसलिए मैंने इसको अपने सिटी से दूर रखा है। एंड भाई और मैं आपको चीज़ों को बुलाना भूल गया, बताना भूल गया, हमारी आबादी 2600 तक पहुँच गई है, मैंने आपको पहले बताया नहीं, मुझे एक और क्या कहते हैं अचीवमेंट मिली थी 1600 की मेरी पहुँच गई थी, तो अभी हम नई चीज़ें बना सकते हैं। आई थिंक मैं अभी आपको दिखाता हूँ हम क्या बना सकते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट नहीं, एजुकेशन हो गया, बस ट्रांसपोर्ट बना सकते हैं हम, और हम पार्क्स बना सकते हैं, यूनिक बिल्डिंग्स बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें पावर का मसला हो रहा है यार फिर से, तो वेट अ मिनट लेट मी क्रिएट, ये बना दिया, और भाई अब तुम लोगों का मसला हल होना चाहिए, ठीक है वरना मैं बात नहीं करूँगा तुम लोगों से, मसला हल करो अपना यार। हाँ देखा बिजली आ गई इनके पास, तो अभी हमारे पास बस ट्रांसपोर्ट आ चुकी है एंड और हमारे पास पार्क्स आ चुके हैं। तो यहाँ इस गेम का रूल ये है कि अगर आप पार्क्स डालोगे अपने सिटी के अंदर तो आपका जो सा लैंड कॉस्ट होती है ना, मतलब आपका वैल्यू जो सी वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है, तो भी हम बहुत सारे पार्क्स लगाएंगे यहाँ पर। तो आई थिंक मुझे एक पार्क इधर बनाना चाहिए, एक पार्क इधर बनाना चाहिए, अबे यार बन जाना क्या हो गया, अबे हाँ एक पार्क इधर बना दिया, एक पार्क इधर बना दिया, वाह भाई
मतलब मैं बहुत सारे पार्क बना रहा हूँ, लेकिन हमें बनाने चाहिए। एक और पार्क बना दिया हमने यहाँ पर, एंड एक और पार्क बना दिया। भाई कितने पार्क बनाऊंगा मैं, अभी चेक करने दो। यहाँ पर हमें एक पार्क चाहिए, ये लो एक और पार्क, यहाँ पर एक और पार्क। भाई साहब अब सही लग रहा है ना वर्ल्ड हमारा यहाँ पर, तो हमारी वैल्यू बढ़ेगी यहाँ की, लैंड वैल्यू। और ये लो एक और पार्क, मजे करो। और एक पार्क हम यहाँ रख देते हैं स्कल डिस्ट्रिक्ट। आप पता है ये सेंस नहीं बनाएगा कि इंडस्ट्री के अंदर पार्क क्यों, इससे हमारी पोल्यूशन कम होगी, ठीक है? तो ये इसलिए मैंने डाला यहाँ पर, ओके पोल्यूशन कम होगी इससे। तो हमने एक और डाल दिया यहाँ पर, एंड सी सारे लोग यहाँ पर खुश होना शुरू हो गए। और भाई कितने सारे पार्क्स डाल दिए हमने, लेकिन भाई 1000 रुपीज़ का है, क्या फ़र्क पड़ता है, बहुत सस्ता है यार, बहुत सस्ता है। एंड यहाँ पर भी एक लगा देते हैं भाई, मतलब कितने पार्क्स लगाऊंगा मैं, ओके। यूनिक बिल्डिंग्स नहीं बना सकते अभी हम इसमें से कुछ भी, बहुत सारी एक्सपेंसिव चीज़ें हैं यहाँ पर। ओ भाई डिमांड हमारी बहुत बढ़ गई है रेजिडेंशियल की, तो भी हम एक काम करते हैं अपने क्यूटू डिस्ट्रिक्ट के और बढ़ाते हैं। एंड 1600 by 2000 by 1600 का बना रहा हूँ मैं, ये देखो भाई। लो जी हमारा रोड बन गया भाई, पूरा करता हूँ उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो लो जी हमारा ओल्ड रेजिडेंशियल एरिया बन गया, और ये लो रेजिडेंशियल 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 रेजिडेंशियल। और पानी आ रहा है यहाँ पर नहीं, तो एक मिनट अभी हम पानी का मसला हल करते हैं इनका। ये लो भाई पानी, पानी ले लो, पानी फ्री का पानी। देखो भाई इनको पानी चाहिए होता है, तो पानी तो हम इनको देंगे ही देंगे। तो अभी हम यहाँ पर अपना वाटर ट्रीटमेंट सेंटर चेक करते हैं, सही चल रहा है यार, बिल्कुल सही चल रहा है। और ये देखो यार सारा गंदा पानी यहाँ से जा रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है यार, कितना गंदा पानी है यहाँ पर, ओके। तो भाई ये क्या है, ये इतना लाल क्यों हुआ है? नॉट इनफ एजुकेटेड वर्कर्स, यानी हमें स्कूल की जरूरत है बहुत सारी, ओके। यहाँ पर एजुकेटेड वर्कर्स नहीं है, तो वेट अ मिनट, हमने ना और भी स्कूल अनलॉक कर लिए, हाई स्कूल। लो जी हमने यहाँ पर हाई स्कूल रख दिया, और अभी मैं और कुछ ज़ाया नहीं कर सकता पैसे, वरना मैं डेप्थ में चले जाऊँगा, तो कोई बात नहीं। तो हमने यहाँ पर एक स्कूल बना दिया है। यहाँ पर भी हमें कंप्लेन मिल रही है कि भाई एजुकेटेड वर्कर्स नहीं है, बट हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। एक मिनट, में लोन ले सकता हूँ क्या? नो। और मैं एक काम करता हूँ, मैं टैक्स बढ़ाने लगा हूँ, आई डोंट केयर, मैं टैक्स बढ़ाने लगा हूँ। 11% टैक्स दो मुझे भाई, टैक्स दो 11% टैक्स, कम ऑन गिव मी टैक्स मैन, क्या हो गया तुम लोगों को, टैक्स दो। लो जी गाइस हमने पैसे बनाना शुरू कर दिए, क्योंकि मैंने टैक्स इनसे मांग लिया। 13% टैक्स भाई, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, नहीं है ज़्यादा भाई, वरना ये कंप्लेन करना शुरू कर देता कि टैक्स बहुत ज़्यादा है। ये कितने का है? 10,000 का है, और ये 24,000 का। कोई बात नहीं, हमें यहाँ पर एक स्कूल बनाना पड़ेगा यार, एक बार मुझे चेक करने दो। ये देखो ये सारा एरिया कवर्ड है स्कूल से, ये वाला एरिया कवर नहीं हुआ अभी स्कूलिंग में, तो अभी भाई हमें इंतजार करना पड़ेगा पैसों का। तो गाइस अभी मैंने यहाँ पर एक स्कूल बनाया, और यहाँ पर एक अबैंडन बिल्डिंग है, इसको हम अच्छा बिल्डोज खुद ही हो गया, वाह भाई वाह, खुद ही बिल्डोज हो गया भाई। मैंने तुम लोगों को स्कूल दे दिया, अब अपनी क्या कहते हैं ये नॉट इनफ एजुकेटेड के वर्कर्स की बंद करो। फायर डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट सही चल रहा है, नहीं फायर डिपार्टमेंट सही चल रहा है, हाँ सही चल रहा है, फायर डिपार्टमेंट हमारा बिल्कुल सही चल रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट भी हमारा बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो इट्स टाइम भाई हमें हाई स्कूल चाहिए, यहाँ पर एक स्कूल और चाहिए होगा हमें, एक मिनट एक काम करने दो। ये लो भाई मज़े करो, और स्कूल दे दिए तुम लोगों को मैंने। और यहाँ पर हमें ना एक लास्ट काम करते हैं, उसके बाद अपना एपिसोड ख़त्म करते हैं यहाँ पर। एंड अभी मैं थोड़े से पैसे आने का इंतजार करता हूँ, और उसके बाद आई थिंक, मतलब मुझे लगता है आज के एपिसोड के लिए काफ़ी है यार इतना, तो ये बिल्डोज कर देते हैं। आई थिंक आज के एपिसोड कितना काफ़ी है। वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, एंड हैव अ नाइस डे।